अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पटियाला शलवार बताने वाली हूँ, जिसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। देखिए, इसे मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह बिछा लिया है। इसमें हम पहले डिज़ाइंस देखेंगे। देखिए, ये जो पत्ते की बेली है ये नीचे की ओर जा रही है। जब हम कपड़े को बिछाते हैं तो देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है। इससे हम सही करने के लिए इसे पहले 2 हिस्सों में बांट लेंगे इस कपड़े को। फिर हम कपड़े पर कपड़ा डिज़ाइन को देखते हुए लगाएंगे निशान। देखिए, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो हम पहले 2 बराबर हिस्सों में इस कपड़े को बांट लेंगे हम। उसके बाद फिर इसी तरह बिछाएंगे। देखिए, इसे जितना कपड़ा हमें लंबाई में लगता है उतना कपड़ा हमने कट कर लिया है। और इसे हमने बेली को ध्यान रखते हुए, यानी कि ये डिज़ाइंस को ध्यान रखते हुए हमने इस पर बिछाया हुआ है। देखिए, इस तरह इसकी भी बेली अब ऊपर की तरफ जा रही है। जिस तरह ये डिज़ाइन जा रहा है उल्टे कपड़े पर, अब हम डायग्राम शुरू करेंगे। जितना कपड़ा हमारे को शलवार के लिए लगता है हमने उतना कपड़ा लेंथ के हिसाब से कट कर लिया है। हमने टेप को ऊपर की ओर छोड़ते हुए कट किया हुआ है कपड़े को। देखिए, इस तरह 6.5 इंच का टेप मैंने ऊपर की ओर छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारी बेल्ट आती है। देखिए, इस तरह हम नीचे की ओर जितना कपड़ा हमें लगता है उतना कपड़ा हमने कट कर लिया है इसमें से। अब हम 6.5 का टेप ऊपर छोड़ते हुए, बेल्ट का टेप ऊपर छोड़ते हुए लंबाई का निशान लेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हम डायग्राम का देख लेते हैं बुक में हमने किस तरह लिया हुआ है। देखिए, हमारी लंबाई है शलवार की 39.5 इंचेस और इसका जो बॉटम है पैंचे वो है 7 इंचेस। इसकी किस्तक है 16 इंचेस। बेल्ट की लंबाई है 7, बेल्ट की चौड़ाई है 21। तो ये बेल्ट का हिस्सा हमने यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़े पर लेना है। ये हम बाद में कट करेंगे। मैंने डायग्राम में लिख कर रख दिया है 7 + 2 मिलाकर 9 इंचेस लंबाई है, 21 + 2 मिलाकर 23 है ये चौड़ाई है। इसे हम सिर्फ 2 फोल्ड में कट करेंगे। और नीचे जो पटियाला शलवार है, इसे अफगानी शलवार भी बोला जाता है, 4 फोल्ड को हम इस तरह बेल्ट का कपड़ा ऊपर छोड़ते हुए लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई देखिए 39.5 इंचेस है। आइए देखते हैं अब हम कपड़े पे किस तरह डालेंगे। इस तरह हम 6.5 का टेप छोड़ते हुए 39.5 इंचेस पर निशान कर लेंगे। यहाँ पर हम मार्क डाल लेंगे। देखिए, हमने फोल्ड साइड में जहाँ हमने मोड़कर कपड़ा रखा हुआ है उस साइड हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसी निशान पर पूरा बॉटम का निशान लेंगे। हमारा बॉटम है 7 इंचेस, तो हम इसका इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 इंचेस आता है, यानी कि 3 गुना बढ़कर लेंगे। 7 इंचेस का बॉटम है तो 7 × 3 = 21, तो हम बॉटम में भी 21 इंचेस कपड़ा ले लेंगे। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं या फिर 21 से बढ़कर भी ले सकते हैं। देखिए, हमने 23 इंचेस बॉटम ले लिया है। पूरा कपड़ा जितना है हमारा पूरा बॉटम में लेंगे हम। अब किस्तक का निशान डालेंगे ऊपर की तरफ। देखिए, हमारी किस्तक है 16 इंचेस, तो हम यहाँ 6.5 का टेप को छोड़ते हुए 16 में से 1+ करके 17 इंचेस का निशान ले लेंगे। इस तरह हम 6.5 इंच का टेप ऊपर छोड़ेंगे और 17 नंबर पर निशान ले लेंगे। ये हमारा किस्तक का निशान हो गया। हम किनारे पर निशान लेंगे इस तरह लेने से। ये ओपन साइड है 4 फोल्ड कपड़ा। इस तरह कोर को रखने से, यानी किनारे को रखने से तागे नहीं निकलते हैं। अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हमें याद रहना चाहिए ये किस्तक है। देखिए, हमने यहाँ पर कट का निशान लगा लिया है। इस तरह ये किस्तक है हमारी। देखिए, हम बॉटम के जो निशान डाले थे वो निशान को भी हम कट कर लेंगे। हमने इसमें मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि हम कॉलर की तरह बॉटम को लगाएंगे इसमें पैचों में चुन लेते हुए, इसलिए हमने इसमें मार्जिन का हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि हमारा बॉटम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह ये शलवार थी। देखिए, ऊपर भी हमारी ये जो प्लेट आएंगी ये ऊपर का हिस्सा होगा जहाँ हमें बेल्ट लगाना है, और ये जो नीचे की प्लेट आएंगी ये स्क्वायर में दिख रहा है अफगानी शलवार। नीचे की जो प्लेट आएंगी ये हम बॉटम में लेंगे, तो दोनों ऊपर और नीचे सेम है। तो सिर्फ किस्तक का जो हम कट लगाए हैं इसी से हम ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हमें सिलाई में किस्तक के निशान पर ही इस तरह यहाँ पर स्टिचिंग करनी है और ऊपर बेल्ट लगाकर बाद में नीचे बॉटम की चून लेनी है। अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। देखिए, 2 फोल्ड कपड़े को लेते हुए हमने, देखिए ये 2 फोल्ड कपड़ा है,
इस तरह हमने बेल्ट की चौड़ाई 21 में 2 मिलाकर 23 का निशान बना लिया है। यहाँ पर ये चौड़ाई हो गई और बेल्ट की लंबाई हमने 7 में प्लस 2 करते हुए 9 इंचेस ले ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब हम बॉटम के लिए प्लेन कपड़ा लेंगे। देखिए हम बॉटम में नीचे इसमें प्लेन कपड़ा ये कलर का लगाएंगे। हमने इसमें टू फोल्ड कपड़े को रखते हुए, देखिए ये टू फोल्ड कपड़ा है, इसे इस तरह रखते हुए हम दो पट्टी कट कर लेंगे। ये चौड़ाई में हमने 5 इंचेस लिया है क्योंकि हमें इसमें बकरम का कपड़ा रखकर कॉलर की तरह पट्टी बनानी है। और इसकी जो चौड़ाई है हमने 16 इंचेस ली है। देखिए इस तरह हमने 16 इंचेस लिया है इसे, इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा बॉटम हो चुका है। बॉटम हम किस हिसाब से लिए हैं, देखिए बॉटम का जो पैचों का नंबर है वो 7 है, तो सादे बॉटम में हम 7 में 1 मिलाकर प्लस 1 मिलाकर 8 इंचेस करते हैं। इस तरह सीकर 7 आना है, इसलिए हम मार्जिन 1 मिलाते हैं, 8 हो गया, तो 8 को हम डबल कर देंगे। यानी कि इस बॉटम की जो हम इस तरह पट्टी लेते थे, इसे ओपन करने के बाद इसका 16 आता है, इसलिए ये पट्टी हमने इस तरह निकाली है। अब हम ये बकरम की इधर 16 इधर 16 इंचेस और यहाँ पर 1.5 यहाँ पर 1.5 इंचेस की दो पट्टी कट कर लेंगे। और इसकी जो स्टिचिंग का तरीका है, मैंने छोटी 3 साल की बच्ची का पटियाला शलवार इसमें डाला हुआ है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। स्टिचिंग का वीडियो मैं इसमें नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्टिचिंग छोटे बच्चों की और बड़ों की सेम होती है। आप नीचे के लिंक को देख कर 3 साल की बच्ची के पटियाला शलवार को देख कर इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी पटियाला शलवार कुछ इस तरह दिखेंगी सी तैयार होने के बाद। ये ऊपर बेल्ट है, नीचे ये दोनों पैरों के हिस्से हैं और नीचे बॉटम के अंदर जो मैंने इसमें नीचे ग्रीन कलर का रखा हुआ है, इसमें हम बकरम डालकर इसका यूज़ करते हुए कॉलर की तरह लगाएंगे इसे। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।